ये है दिल्ली दर्पण। ना मेरे सिग्नेचर हुए, ना मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बाइक रिलीज हो चुकी है। वो तो बाई चांस मैं जाता हूँ थाने में, मुझे पता लगता है कि मेरी बाइक तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, कोई और लेके उसको घूम रहा है। एसएचओ साहब के पास गया कि मेरी बाइक कहाँ है, तो एसएचओ साहब ने मुझे तड़ी दिखाई, बाकायदा मुझे धमका के वहां से भगाया गया। देश की सबसे तेज तर्रार माने जाने वाली दिल्ली पुलिस छोटे छोटे मामलों में भी कितनी बड़ी लापरवाही करती है या कितनी बड़ी मनमानी करती है, इसका एक और उदाहरण मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। मेरे साथ हैं एक शख्स, हरीश शर्मा इनका नाम है। मसला तो केवल इनकी बाइक का है, लेकिन यहाँ मैं जिक्र सिस्टम के उस तरीके पे कर रहा हूँ जो एक अच्छे खासे आदमी को ना को चने चबवा देता है, एक जायज बात के लिए भी, अपनी उचित कार्रवाई करने के लिए भी उसे कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। लेकिन कोर्ट के मामले में भी दिल्ली पुलिस किस हद तक लापरवाही करती है, मैं एक उसका नमूना आज आपको फिर इनके जुबानी सुनाना चाहता हूँ। इनकी पत्नी से इनका विवाद था, इनकी एक मोटरसाइकिल थी जो उनके साले के कब्जे में थी। इन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखा कि मेरी मोटरसाइकिल मुझे दिलाई जाए, वो दे नहीं रहे हैं। और इस शिकायत के कई दिनों बाद फिर वो मोटरसाइकिल चोरी होती है, चोरी होने के बाद वो किसी और थाने में मिलती है, और उस पर भी आप लापरवाही ये देखिए कि जिसकी वो मोटरसाइकिल है कायदे से वही उसी की सुपरदारी में वो मोटरसाइकिल छोड़ा ली जानी चाहिए, लेकिन उसको भी कोई और छोड़ा ले दे रहा है। तो ये सारा मामला है जिसने इस शख्स को इतना इस कदर मजबूर कर दिया है कि ये केवल थाना कचहरी के चक्कर काट रहा है। तो हरीश जी पहले तो बताइए कि क्या है सारा मामला, जो मोटरसाइकिल आपने थाने में लिखवाई कि भाई मेरी मोटरसाइकिल मुझे दिलवाई जाए। सर ये बात है 2020 की, जब मैंने अपने साले को ये मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी, उसके बाद से ये मोटरसाइकिल उसी के पास थी। नाम किसके थी वो? शिवम वर्मा, नाम मेरे है हरीश शर्मा, और मैंने दी थी शिवम वर्मा को, जो कि मेरी 10-12 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लव मैरिज की थी मैंने, जो कि अदर कास्ट की थी मैंने। और ये बाइक मैंने थाने में भी रिपोर्ट की थी कि ये बाइक मेरी दे नहीं रहे हैं, इस पर काफ़ी सारे चलान भी हो रखे हैं, जो कि शिवम वर्मा के ही नाम से चलान है। शिवम वर्मा बैठा हुआ है, उसकी फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास। फिर मैं थाने वालों ने कोई कार्रवाई ना करते हुए फिर ये बाइक चोरी हो जाती है। चोरी हो जाने के कुछ दिन बाद 9 जुलाई को मेरा भाई एक्सपायर हो जाता है, तो 11-12 जुलाई को मैं थाने में आके पता करता हूँ कि क्या मेरी बाइक है, तो मैं उसको छुटा लेता हूँ। पर लेकिन ये बाइक 10 तारीख को ही छुटा ली गई थी। इसकी नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी, जो कि मेरी वाइफ इसमें इंक्लूड है। मेरी वाइफ ने और मेरे साले ने मिलकर नकली पावर ऑफ अटर्नी बनाई, फिर वो कोर्ट के तहत इसको सुपरदारी ली उन्होंने, फिर वो थाने गए हैं। थाने जाने के बाद बाकायदा पावर ऑफ अटर्नी अगर मैंने दी है तो वो सिग्नेचर अपने करेगी, ना कि मेरे करेगी। थाने में भी उसने मेरे सिग्नेचर किए हैं, मैं खुद थाने में जाके देख के आने वाला हूँ। अब उन्होंने पेज फाड़ दिया हो तो उसकी कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर थाने में एफिडेविट आपने दिया होगा तो कागज और ये एफिडेविट वो तो सब आपके लगेंगे ना, तो आपने दिया कि नहीं दिया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया है। हाँ। ना मेरे सिग्नेचर हुए, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बाइक रिलीज हो चुकी है। वो तो बाई चांस मैं जाता हूँ थाने में, मुझे पता लगता है कि मेरी बाइक तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, कोई और लेके उसको घूम रहा है। अब क्या अभी भी वो बाइक आपके पास नहीं है? नहीं, अभी भी वो बाइक मेरे पास नहीं है। अब वो बाइक पुलिस वालों ने, जब मैंने एसएचओ साहब के पास गया कि मेरी बाइक कहाँ है, तो एसएचओ साहब ने मुझे तड़ी दिखाई, बाकायदा मुझे धमका के वहां से भगाया गया। ना मेरी एप्लीकेशन रिसीव की गई। उससे नेक्स्ट डे मैं डीसीपी ऑफिस में पेश होता हूँ। डीसीपी ऑफिस में पेश होने के बाद वहां पे एसएचओ साहब को बुलाया जाता है कि आपने इनकी एप्लीकेशन क्यों नहीं ली। तब एसएचओ साहब मेरे को वही बोलते हैं कि आप थाने में आ जाओ, एप्लीकेशन दे जाओ अपनी। तब जाके उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिसीव की।
उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने अपने एडवोकेट से बोला कि एक स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाए। जब उनसे स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई तो उसमें उन्होंने तलब किया कि इनका फैमिली मैटर चल रहा है और कुछ भी लिखा था वो सारे पेपर मेरे पास मौजूद है। अभी इतना तो मुझे भी याद नहीं। अगर फैमिली मैटर चल भी रहा हो तो जो कानून ये कहता है कि मोटरसाइकिल जिसकी है, जिसके नाम से है, उसके पास होनी चाहिए, चाहे ब्लड रिलेशन के पास भी क्यों ना हो, अगर वो ये चाहते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल मेरे पास होनी चाहिए तो वो होनी ही चाहिए। इसको आप पारिवारिक विवाद का मामला मान करके कानूनों की अनदेखी आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है उन्होंने। 10 जुलाई को बाइक रिलीज हुई है मेरी, 10 जुलाई को उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है। क्या कानून इतना अंधा था? क्या वो एसआई साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो इतने अंधे थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि आज ही पावर ऑफ अटॉर्नी बनी है? अगर वो बंदा दिल्ली में है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके क्यों देगा? वो थाने में आके नहीं मिल सकता? क्या वो कोर्ट में जाके साइन नहीं कर सकता? क्या वो अपनी सुपरदारी खुद नहीं करा सकता? ये पुलिस की लापरवाही है। देखिए, मसला यहाँ पर केवल बाइक चोरी का ही नहीं है, एक फर्जी तरीके से कागज बना करके कानून को गुमराह करना, कोर्ट को गुमराह करना भी आप समझिए कि कितना गंभीर अपराध है। और जब ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो नकली उन्होंने बनाई है और उसकी भी जब वो शिकायत कर रहे हैं तो पुलिस उस पर भी क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जब कोर्ट में एक मेरा केस गया है, मेरा केस नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, क्या केस है बता दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, केस नंबर मैं बता देता हूँ आपको। केस हमने लगाया है, केस नंबर है जो रोहिणी कोर्ट 113 नंबर में चल रहा है, जिसका केस नंबर है 19662/24। इसमें एटीआर रिपोर्ट मांगी गई है पुलिस से, जो कि अभी तक जिसकी डेट दी गई है 23/11/2024। अब उसमें मुझे नहीं पता ये क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। इतनी लंबी तारीख दी गई है मुझे। और सबसे बड़ी गलती इसमें कोर्ट की भी आती है, ये जो बाइक का केस चल रहा था, ये जो बाइक चोरी हुई थी, जो सुपरदारी हुई है, ये रोहिणी कोर्ट 101 नंबर वसुंधरा चौकर जी की कोर्ट से रिलीज की गई है। क्या उन्होंने भी इस बात पे अंदाजा नहीं लगाया? क्या उन्होंने भी मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा? सुनिए, इसमें तो आपके वकील को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। वो कोर्ट में, कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं, हमारे पास वकील का काम है। नहीं, हमारे वकील का काम है, पर हमें डेट ही नहीं पता था। हमें कोई नोटिस ही नहीं आया कि आपकी इस डेट की तारीख है। लास्ट मेरे पास कोर्ट का नोटिस आया था अभी करीबन 20 दिन पहले कि सर आपकी डेट है, प्लीज आप नोटिस रिसीव कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अच्छा, फिर व्हाट्सएप पे मेरे को रिसीव कराया गया है नोटिस, मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद, अभी क्या हो रहा है और क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। इसमें मेरी आप मदद कीजिए, थाना मेरी कोई सुनवाई की नहीं कर रहा है। इसमें पीएस मोरिया इंक्लूड, पूरा इंक्लूड है विद एसएचओ साहब। देखिए, बिल्कुल एक फैमिली मैटर बता करके, पारिवारिक विवाद बता करके, अगर इतने बड़े पैमाने पर कानूनों की अनदेखी होगी, नियमों की अनदेखी होगी, तो समझिए आपकी कि दिल्ली की जो सबसे तेज तर्रार पुलिस है वो कर क्या रही है। बहुत गंभीर मामला है कि आप किसी के नाम के फर्जी कागजात बना लेते हैं और एक शख्स जिसके नाम से वो बाइक है, जिसके नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका नाम से वो दर्ज है, वो अपनी बाइक अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा है। ये मेरी वाइफ की स्टेटमेंट है जो कि उसने दिल्ली पुलिस को दी है कि मैं 2 साल से अपने पति से अलग रहती हूँ। बाकायदा कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई गई है। जब मैं वो 2 साल से अलग रहती है तो मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दूंगा? बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था कि जब 2 साल से वो अलग रह रहे हैं, इनकी अपनी बाइक है, वो अपने कब्जे में चाहते हैं, लेकिन किस कदर उसको फुटबॉल बना दिया है दिल्ली पुलिस ने, आपके सामने ये नतीजा है। तो मामला तो किसी की नज़र में बेशक एक मामूली से पारिवारिक विवाद कह के उसको टाल देते होंगे, बाइक का मामला एक छोटा मोटा मामला कह करके उसको टाल देंगे, लेकिन इस मामले में कितनी
बेदर्दी से नियम कानूनों को ताक पर रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात है। तो गुजारिश है मेरी, जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लें और जो दोषी दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।